चना का पकौड़ा, ये क्या था? एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और आज है अगजा मीन्स होलिका दहन। हमारे साइड तो अगजा बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हो आप कमेंट करके बताओ। और आज के दिन बनता है घर में पकोड़ा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या होता है वो आपको आज के इस पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून गाइस। और अभी मैं खा रही हूँ घर का पपीता मीन्स ऑर्गेनिक पपीता। ये उतना मीठा नहीं है, बट कल एक मम्मी कट की थी ना, वो बहुत मीठा था, आज वाला मीठा नहीं है, बट ठीक है, हेल्दी है। और यहाँ है माही, माही अभी आ गई है मेरे पास। पपीता बुआ हेल्दी खाती है, पपीता बुआ हेल्दी खाती है, ये क्या होता है? पपीता बुआ हेल्दी खाती है, पपीता हेल्दी होता है इसलिए मैं खा रही हूँ। चाचू अपना लकड़ी से ब्रश बना गया क्या? मार्केट। यहाँ छोटू बैठकर लिख रहा है कि क्या क्या बनाया जाएगा, हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ सोया रहता है, घर आता है इसका काम ही है सिर्फ सोना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजट बढ़ने वाला है। हाँ भैया इतना सामान वाली कोई ले रहे वो तो नहीं होगा, डिलीम शॉप नहीं होगा भाई, नाने की है लगता है। ये हम इतना सामान लेके आता है, इधर सब्जी इतना ना, कोरमा सब्जी क्या, ये सब सब्जी क्या 200 रुपए किलो 300 रुपए किलो होता है क्या? तो भैया दिया पैसा सामान लाने के लिए छोटू को, तो छोटू बोल रहे हैं बजट बढ़ने वाला। भैया सही भैया, इतना में नहीं होगा, तुमको पता है ना। तू पहले अपना कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर दे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के बैक साइड, और इतना अच्छा जो फूल खिला है ना, मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो जो हमने हिबिस्कस लगाया था ना, अभी रिसेंटली लिया था ये प्लांट, और इसमें कितना खूबसूरत फ्लावर ब्लूम हुआ है, सारा फ्लावर मैं तोड़ के लाई हूँ। करेगा वैसे बदमाशी, हाँ करोगे बदमाशी? देखो मम्मी, और तो हम तोड़े भी नहीं, बहुत सारा था। टाइम हो रहा है आफ्टरनून का 2:30, और मम्मी स्टार्ट कर चुकी है इवनिंग के लिए जो भी बनता है। तो क्या क्या बनाने वाली हो मम्मी आज? और आज भी गाइस इतना सारा सामान लेके आया ना मेरा भाई, मार्केट में तो वैसे बहुत भीड़ था, मम्मी सारा सामान अंदर कर चुकी है, कुछ कुछ यहाँ पे निकला पड़ा हुआ है। और क्या बना रही हो बताओ? पकौड़े बनाएंगे, दही वाले बनाएंगे, और क्या, ये सारा चीज पकौड़ी का ही हो रहा है गाइज। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रिपरेशन हो रही है पकौड़ी बनाने की, तो बहुत सारा पकौड़ा बनता है पकौड़ा। तो वैसे आप उतना लोग खाते नहीं है, तो कम ही क्वांटिटी में बनेगा, इसीलिए आप देख रहे हो क्वांटिटी काफी कम कम मम्मी निकाली है ना मम्मी, क्योंकि भैया भी मना किया, छोटू भी, मैं भी उतना खाती नहीं हूँ, तो मम्मी सिर्फ खाएंगे, है ना? मम्मी खाएंगे, पापा खाएंगे। हाँ और आप ये देखो, ये है दही बड़ा जो बनता है उसका मीन्स उड़द दाल होता है ना, वो उसका पीस के पेस्ट रखा हुआ है, और इसको मम्मी धूप में डाली थी इसलिए ये इतना फूल गया है, और इसी का बनेगा दही बड़ा। दही भी बहुत अच्छा मम्मी जमा चुकी। मम्मी यहाँ निमकी बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो पहले मम्मी ये सारा चीज कर रही थी, तो मैं ही बोली कि मम्मी वो इसका आटा गूंथ दो, तो मैं इसको जो है ना कट कर दूंगी, क्योंकि इसको काटने में ज्यादा टाइम लगता है। तो गाइस मम्मी निमकी का आटा गूंथ दी थी, तो मैं सोची इसको कट कर देती हूँ, क्योंकि इसको मेन जो इसमें टाइम जाता है ना, वो ऐसे बेल कर काटने में जाता है, तो ये सारी चीजें बनाने में वैसे भी बहुत मेहनत है, तो मैं सोची कर देती हूँ, तो मम्मी को भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि शाम बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बनाना भी है, खाना 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 ही होता है इसमें, और मैं उतनी फूडी नहीं हूँ, और या यही सब चल रहा है, तो इसे फटाफट मैं कर देती हूँ, तो टाइम तो लगेगा इसमें अच्छा खासा मुझे।
ऐसे इस पे काटती हूँ, जुगाड़ है ये, इस पे बेलती हूँ, इस पे काट रही हूँ, तो इस पे काटने से मतलब सही से कट होता है। इतना सारा निमकी मैंने कट किया, इधर रखा, इधर रखा है और यहाँ थोड़ा सा, तो ये फाइनली कट हो चुका है। और मम्मी इधर बनाना स्टार्ट कर दी है पकौड़ा। और क्या क्या बना रही है, ये है, ये चना का पकौड़ा, ये क्या कहा है मम्मी, प्याज पत्ता, प्याज और बंदा गोभी का मिक्स, और यहाँ है बैंगन कद्दू, और किसी चीज का बना रही हो, आलू बनाए तो। अच्छा ये देखो मस्त पकोड़े छन रहे हैं, सब कुछ बन गया गाइस, बस चटनी नहीं बना, तो मैं जा रही हूँ अभी चटनी बनाने के लिए, धनिया पत्ता, पुदीना और दही और मिर्च डाल, जल्दी से उसे मैं बना दे। चटनी बन गया है, तो यही मिस हो रहा था क्योंकि पकौड़ी तो रेडी था, और चटनी थोड़ा सा पतला बना है क्योंकि धनिया पत्ता मैंने कम डाला, बट बहुत टेस्टी बनाया है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ, तो अब चटनी के साथ दिया जाएगा जो भी पापा लोग खाएंगे। दे दो ना छोटू, मिलिए अतुल जी से, सबको हैप्पी होली बोलिए, खा लिया ना पकौड़ी, बहुत बढ़िया बना था, चटनी कैसा बना था, बहुत सुंदर, हाँ। भाई कैसे कर रहा है छोटू, दे दो ना रे, दे दो, नहीं आम को खुद आलसी आ रहा है, तू बेचारे बैठे हुए दू ना, करेगा वैसे बदमाशी, यहाँ अतुल जी खा चुके हैं, छोटू भी खा चुका, और इनको चेंज चाहिए बट दे नहीं रहा है छोटू, अरे यार लास्ट में मुझे ही उठना पड़ा, दिमाग खराब, काम चोर हो गया। जो आप देख रहे हो ये दही बड़ा का मम्मी छान रही है, वो जो बना था इसका उड़द का दाल का। तो गाइस शाम के 7:30 हो चुके हैं, स्टिल मम्मी अभी बना ही रही है, इतना टाइम लग गया जबकि थोड़ा ही बनाना था, ज़्यादा बनाना नहीं था। और दही बड़ा भी छन चुका है जो बड़ा होता है, और अभी मम्मी को निमकी छान। तो होलिका दहन के दिन हमारे घर में बनता है कढ़ी चावल, इनफैक्ट सभी बिहारियों के घर में बनता होगा, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या पकौड़ी हमारे घर में बना है, वैसे इस बार कम ही पकौड़ी बना बिकॉज सब लोगों ने कहा कि बहुत कम क्वांटिटी में खाएंगे, इतना मच्छर है मेरे घर में, इतना मच्छर है कि मैं तो परेशान ही हो गई हूँ गाइस, तो दिखाती हूँ अभी आपको, वेट अ मोमेंट। हमारे घर में बने ये सारे पकौड़े, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कौन कौन सा है। ये है चटनी जो मैंने बनाया, ये है चना का पकौड़ा, ये जो भी आप देख रहे हो ये आलू चॉप है, और इसमें कद्दू और बैंगन दोनों है, मुझे नहीं पता कौन, ये आई थिंक कद्दू है और ये बैंगन है, और ये है सीम, मम्मी बोलती है ये आज खाना चाहिए, अच्छा होता है, और ये गोभी का है। तो ये सारे पकौड़े आज हमारे घर में बने हैं, आप देख सकते हो, जिसे भी खाने का मन कर रहा है आप आ सकते हो मेरे घर। यहाँ सारा निमकी छन चुका है, और यहाँ कढ़ी बन रहा है, चावल भी बन चुका है, ये दही बड़ा का है, इसको हमने कल दही बड़ा बनाएगी, तभी बस इसको छान के रख दिया। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 से ज़्यादा ही हो गया, स्टिल अभी भी मम्मी काम कर रही है ना मम्मी, क्या कर रहे हैं। यहाँ मेरा खाना निकल चुका है, राइस, कढ़ी, और ये मैंने गोभी का पकौड़ा लिया और चूखा, तो ये है आज रात का खाना, ये ऑलमोस्ट सारे बिहारियों के घर में बनता है कढ़ी चावल। मैं जा रही हूँ रात का खाना खाने, और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा स्पेशली मम्मी के लिए, और 10:30-11 बज गया सारा काम खत्म करते करते। सो गाइज इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ, एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, सबका खैर।